यस जैन सर, यस सर, बिल्कुल सर, आई विल मेक श्योर सही पिकेटिंग लगे सर। जैन सर, सब ऑफिसर्स को अंदर भेजो। गुड मॉर्निंग सर। जेंटलमैन हैव अ सीट। थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। आप सबको मैंने यहाँ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बुलाया है। अभी सीनियर ऑफिसर का फ़ोन आया था और उन्होंने कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी के लिए अलर्ट किया है ड्यू टू दिस फेस्टिव सीजन एज यू ऑल नो। सर इज देयर एनी स्पेशल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस? अभी कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं आई है इस बारे में, बट आवर मेन प्रायोरिटी इज टू कीप आवर दिल्ली सेफ। कीप दैट इन माइंड। ओके सर, वी विल बी देयर। बस एक चीज़ का और ध्यान रखना है, पिकेटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, आम जनता को कोई भी परेशानी ना हो, ट्रैफिक ना रुके, और अगर आप में से किसी को किसी पे भी सस्पेक्ट होता है उसकी अच्छे से चेकिंग कीजिए, और अगर आपको लगता है तो मुझे कॉल कीजिए। कीप वन थिंग इन माइंड, दिल्ली सिक्योरिटी इज अवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। गॉट इट? यस सर। डिस्पर्स नाउ। दिल्ली पुलिस की पिकेट ड्यूटी शहर की सुरक्षा की पहली कड़ी है, जो मूलतः दो सिद्धांतों पर काम करता है, प्रिवेंशन और डिटेक्शन, ताकि शहर और शहरवासी सुरक्षित रहें। बात सुरक्षा व्यवस्था की है, इसके लिए जरूरी है कि पिकेट ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मी पिकेट ड्यूटी पे बहुत जिम्मेदारी के साथ स्मार्ट पुलिसिंग करें। किसी भी संदेह की स्थिति में रोके गए वाहन से सबसे पहले उसकी चाबी निकालना अनिवार्य है। ऐसा ना करने से संभावित दुर्घटना घट सकती है। जांच के लिए गाड़ी के पेपर्स और आरसी नंबर्स को व्हीकल्स के नंबर के साथ मैच कर चेक किया जाता है, और जांच को पुख्ता बनाने के लिए ड्राइवर से गाड़ी की पूरी जानकारी ली जाती है। चाबी निकालिए। हाँ जी, बिना हेलमेट के कहाँ जा रहे थे? नीचे उतरी और गाड़ी के पेपर से गई है। चलिए चलिए, पेपर से गई है। गाड़ी का नंबर क्या? गाड़ी का नंबर DL इधर इधर DL का नंबर DL 594। ये गाड़ी तुम्हारी है? हाँ साहब, मेरी गाड़ी है। आपकी गाड़ी की नंबर याद नहीं? कागज दिखाइए ठीक से, इसके पेपर दिखाइए, आरसी दिखाइए। अच्छे से दिखाओ, अच्छे से दिखाओ। दो 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 दो। क्या नाम है आपका? सुमन शेखर। हाँ जी, सुमन शेखर। सुमन शेखर भाई, तुम्हारा नाम सुमन नहीं है, फोटो भी तुम्हारी मैच नहीं कर रही। गाड़ी चुराते हो? नहीं साहब, मेरी गाड़ी है सर। गाड़ी का नंबर तो है, PUC की डेट याद आ जाएगी। चलो थाने। सब मेरी गाड़ी है साहब ये। चलो थाने। मेरी गाड़ी है साहब ये। स्मार्ट पुलिसिंग के साथ साथ पिकेट ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को खुद की सुरक्षा का भी ख्याल रखना होता है। नाइट पिकेट ड्यूटी के लिए बैरिकेड्स पे ब्लिंकर्स, फ्लोरोसेंट पेंट, रिफ्लेक्टिंग टिप्स लगाए जाते हैं, ताकि आने जाने वाले वाहनों को बैरिकेड्स दूर से ही दिख सके। बैरिकेड्स के साथ खुद को भी विजिबल रखने के लिए पुलिस कर्मियों को नियॉन जैकेट पहनना अनिवार्य होता है। कुछ खास परिस्थितियों में प्लेसमेंट के बाद पिकेट रिप्लेसमेंट भी करनी पड़ती है। अगर फॉग, रेन या किसी भी तरह से प्रॉपर लाइटनिंग नहीं हो पाती है, तो सीनियर पुलिस पर्सनल को इन्फॉर्म करने के बाद
बैरिकेड्स को उस जगह से रिमूव कर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। बैरिकेड्स पे पुलिस कर्मियों की अपनी खास पोजीशन होती है। पांडे जी, आप चारों ओर देखकर सेटअप लगवाएं। कोई भी एस्केप रूट नहीं छूटना चाहिए। वी शैल बी विजिलेंट कंसिडरिंग आवर टू प्रिंसिपल्स, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। बैरिकेड की पोजीशन जेड शेप में होगी। ध्यान रखिएगा कि ट्रैफिक की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर पर मेंटेन रहे, ताकि ट्रैफिक इश्यूज ना हो। सर, अपनी सेफ्टी का ख्याल रखते हुए ऑलवेज मेंटेन सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द बैरिकेड्स। आप सबकी अपनी एक स्पेसिफिक पोजीशन होगी। तुकाराम सर पहले बैरिकेड के पीछे खड़े होंगे। सर, सुरेंद्र सेंटर पोजीशन पर बैरिकेड को ट्रैफिक के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। जी सर। पांडे, आप तीसरे बैरिकेड के पीछे खड़े रहेंगे। सर। और नरेश, आप तीसरे बैरिकेड पर हथियार लेकर खड़े रहेंगे और हमें कवर करेंगे। ध्यान रहे, दिल्ली की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। सर, आफ्टर ऑल दिल्ली'स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज दिल्ली पुलिस पिकेट ड्यूटी। गुड, अब आप सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लीजिए। सर, गाड़ी साइड पे लीजिए आप। शीशा खोलिए, लाइट ऑन कीजिए, पेपर चेक करिए। चलिए ठीक है, आपका सब ठीक है, ड्राइव सेफली है। ओके सर, थैंक यू। इधर लाइए, बढ़ा दो। बढ़िया सर, आगे लाइए, आगे लाइए, आगे लाइए, आगे लाइए। जरा अच्छे से गाड़ी चेक करना, ठीक है। और आगे लाइए, और आगे लाइए। ओके, शीशा नीचे करिए, लाइट ऑन करिए। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? जनाब, वो एक दोस्त के निकाह से लौट रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? बस घर को जा रहे हैं जनाब। अच्छा, गाड़ी पेपर दिखाइए और गाड़ी चाबी दीजिए। अब ऐसा क्या हो गया, अब देर हो रही है, जाने दो, मेहरबानी होगी। गाड़ी की चाबी दीजिए, पेपर दिखाइए, हमारे काम में मदद कीजिए, आपको जल्दी जाने देंगे। जी सर, गाड़ी डिक्की चेक करो। सर, डिक्की खोलिए। जनाब, पेपर तो दिखा दिए, अब जाने दीजिए ना, रात भी हो गई है। आप डिक्की खोलिए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। और आप मेरे साथ आइए, आइए बाहर आइए। आप डिक्की खोलिए, आइए बाहर। खोलिए इसे। अच्छे से डिग्री चेक करिए सर। ये बॉक्स कैसा है, क्या है इसमें? महज कपड़े हैं। खोलिए इसे। जनाब बोला ना, कपड़े हैं। सर जी, ये डिक्की में एक बॉक्स रखा है, खोलने को तैयार नहीं आ रही है। अब गाड़ी से बाहर आइए। खोलिए इसे जनाब। अरे बाहर आइए। क्या हुआ, मैटर क्या है? अरे जनाब, आप तो बेवजह परेशान हो रहे हो, हम तो बस निकाह से लौट रहे थे। हम क्या आपको ऐसे वैसे लगते हैं? किसी की शक्ल पर नहीं लिखा होता ये कौन क्या है। आप बॉक्स खोलिए। खोलिए से। पांडे, आप अच्छे से गाड़ी की तलाशी लीजिए। जल्दी बॉक्स खोलिए। खोलिए से। पीछे ठीक है। आप कपड़े हैं, अभी पता लग जाएगा क्या है। सर, ये देखिए इसमें क्या मिला, कितनी सारी करेंसी है। क्या है सब, ये तो जाली नोट है, कहां से लाए हो तुम लोग? जनाब, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं।
हाँ लगता है निकाह के दौरान किसी ने हमारा बैग बदल दिया। जी जनाब। तुकाराम सर इनकी अभी अच्छे से तलाशी लीजिए। अरे जनाब इसकी क्या जरूरत है जनाब, हम तो बोल ही रहे हैं कि हम निकाह से लौट रहे हैं। अंदर जाओगे ना सब अकड़ ठिकाने आ जाएगी। सर गाड़ी के नीचे वेपन मिला है। पकड़ो इन्हें। जनाब ये हमारा नहीं है जनाब, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। जनाब अभी सारी अकड़ ठिकाने आ जाएगी। हम तो बस निकाह से लौट रहे हैं। हम तो निकाह से लौट रहे हैं जनाब। पकड़ो इन्हें। जनाब जाने दो वरना। हमने पिकेटिंग के दौरान सीपी के इनर सर्कल में दो कुख्यात आतंकवादियों को असली और फेक करेंसी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। और मोर एक्शन नीडेड इमीडिएटली। आई रिपीट मोर एक्शन नीडेड इमीडिएटली। जब बात पिकेट प्लेसमेंट की आती है तो सेंसिटिव स्पॉट्स का चयन बहुत सावधानी से किया जाता है। एंट्रेंस पर है या एग्जिट पर इसका खास ध्यान रखते हुए प्लेसमेंट किया जाता है। प्रायर इंफॉर्मेशन के अनुसार स्पेसिफिक व्हीकल्स की पुख्ता जांच की जाती है और बाकी वाहनों को नॉर्मल चेकिंग के बाद जाने दिया जाता है। किसी भी विपरीत स्थिति को इस तरह मैनेज किया जाता है जिसका असर बाकी वाहन के संचालन पर नहीं पड़े और किसी भी तरह की ट्रैफिक इशू नहीं हो पाए। गाड़ी साइड पे लगाइए। बात क्या है साहब, ये इतना चेकिंग काई के वास्ते? रूटीन चेकअप है, आप गाड़ी साइड पे लगाइए। साहब जान दो ना साहब, थोड़ा जल्दी में साहब। जाने देंगे, गाड़ी साइड पर लगाइए। ले लो। चेक करो कौन है गाड़ी। जी साहब कहाँ से आ रहे हो भाई? ये बाजू से आ रहे हैं साहब। ये कहाँ से? साहब ये नजदीक से ही आ रहा हूँ साहब, ज्यादा दूर से नहीं आ रहा हूँ। ये इतना चेकिंग काहे के वास्ते साहब? गाड़ी के पेपर्स दिखाइए। अरे साहब जान दो ना साहब, थोड़ा जल्दी में साहब। पेपर्स दिखाइए भाई गाड़ी के। साहब अभी जान दो ना। पेपर दिखाओ सर गाड़ी के। गाड़ी के कागज तो होंगे। सब मैं बोल रहा हूँ आपको डिक्की में कुछ नहीं है सर। बंद कर दो उसको। अरे बड़ी प्यारी बच्ची है, नाम क्या बेटा आपका? दीपाली। आप दोनों का नाम क्या? सर मेरा नाम इंद्रेश है सर। और आपका? मेरा नाम सोनिया सर। इंद्रेश और सोनिया, और आप दोनों की बेटी सफीना। माजरा क्या है? आई कार्ड दिखाओ बच्ची का। सर ये हमारी ही बच्ची है। हेलो बेटा। हेलो बेटा। बस आपको देख के थोड़ा डर गई है सर। आई कार्ड तो हमने नहीं। बच्ची तुम्हारी आई कार्ड है नहीं? सर जाने दीजिए ना, तबीयत खराब है इसकी, सुबह से परेशान है और सर फिर कल स्कूल भी जाना है ना। जाने दीजिए ना सर प्लीज। रुकिए बच्चे, बाहर आओ। बाहर आओ बेटा, डरो मत। पने लो। पुलिस
बस अंकल ये लोग मेरे मम्मी पापा नहीं है, मुझे जबरदस्ती लेकर जा रहे थे। प्लीज हेल्प मी। डोंट वरी बेटा, आपको कुछ नहीं होगा। बाहर निकालो इन्हें। बाहर निकलो, बाहर निकलो दोनों। कुछ नहीं होगा आपके मम्मी पापा को बेटा, आप सेफ हो। पकड़ पकड़ पकड़। माफ कर दीजिए सर। सर मैं इन लोग को जानती भी नहीं हूँ। मैंने तो कुछ भी नहीं किया सर। मुझे तो कभी जो भी बात करनी है थाने में होगी। चलो बैठो पीछे आने में, बैठाओ इनको। दिल्ली पुलिस के निर्देशानुसार पिकेटिंग के अंतर्गत मुख्यतः ध्यान देने योग्य पहलू बैरिकेड्स की पोजीशनिंग हमेशा जेड शेप की होती है। बैरिकेड्स की मूवमेंट हैवी, लो, मीडियम या इमरजेंसी ट्रैफिक मूवमेंट के अकॉर्डिंग टाइट एंड लूज किया जाता है। पोजीशनिंग के वक्त लोकेशन सिटी एंट्रेंस पर है या एग्जिट पर, इसका भी ध्यान रखा जाता है। पोजीशनिंग के लिए सेंसिटिव स्पॉट्स का चयन सावधानी पूर्वक किया जाता है ताकि कोई भी स्केप रूट या यू टर्न की गुंजाइश न रहे। प्रॉपर लाइटिंग के अभाव में सीनियर ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करने के बाद पिकेट की रीपोजिशनिंग भी की जा सकती है। पिकेट पर सारे कॉप्स को अलग अलग बैरिकेड्स पर पोजीशन लेनी होती है ताकि आने जाने वाले हर एक वाहनों पर नजर रखी जा सके। पुलिस कर्मियों को अपनी सुरक्षा हेतु बैरिकेड्स के पीछे एक सुरक्षित दूरी पर खड़ा होना चाहिए। सपोर्ट स्टाफ को रेडी टू रिप्लाई पोजीशन में अपने हथियार के साथ खड़ा होना होता है। रात के समय नियॉन जैकेट्स का इस्तेमाल आवश्यक होता है। बैरिकेड्स पे ब्लिंकर्स, फ्लोरोसेंट पेंट, रिफ्लेक्टिंग स्ट्रिप्स लगाए जाते हैं। संदिग्ध वाहन को रोकने के बाद उसकी चाबी निकालना प्रमुख होता है। जांच को पुख्ता रखने के लिए गाड़ी के पेपर्स और आरसी नंबर को चेक किया जाता है। ट्रैफिक स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे बनी रहनी चाहिए। इंफॉर्मेशन के अनुसार स्पेसिफिक या सस्पेक्टेड व्हीकल्स की ही डिटेल्ड चेकिंग की जाती है। बैरिकेड्स के आगे या ज्यादा नजदीक नहीं खड़े होना चाहिए। आफ्टर ड्यूटी कोई भी बैरिकेड्स बीच रास्ते पे अनमैंड नहीं छोड़े जाते हैं, इससे एक्सीडेंट्स या ट्रैफिक कंजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सावधानी ही सुरक्षा का अर्थ है, बिना सावधानी सुरक्षा व्यर्थ है। After all, Delhi's first line of defense is Delhi Police Picket Duty. Cut. Okay. This more sound engineer. Home sir, kya jaate hain gaadi wale? Did you get it?